अक्टूबर को बीसीसीआई के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले आज मुंबई में बीसीसीआई की तरफ से एक भोज का आयोजन किया जा रहा है। करीब 5 साल के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इस भोज में हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई रवाना होने से पहले जी मीडिया से बातचीत करते हुए वैभव गहलोत ने तमाम बातें कही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लेते हैं। वैभव जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, आरसी अध्यक्ष बनने के बाद पहला मुंबई दौरा, बीसीसीआई के पदाधिकारियों से भी मुलाकात हुई। हाँ, आज बीसीसीआई की तरफ से एक रात्रि भोज में सभी स्टेट के प्रेसिडेंट्स को बुलाया है और उसी सिलसिले में मुंबई जाना हो रहा है। सभी से इनफॉर्मल बात होगी और बीसीसीआई में जो अब चुनाव होंगे उसमें आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से तमाम जो दूसरे स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं उन सबसे इनफॉर्मल बात होगी और आने वाले समय में यूनानिमस तरीके से कैसे बीसीसीआई में चुनाव हो जाए उसके ऊपर आज वहाँ बातचीत होने की पूरी संभावना है। बाबा जी, बात करें तकरीबन 4.5 साल बाद राजस्थान से कोई प्रतिनिधि वहाँ पर किसी मीटिंग में हिस्सा लेगा, तो ऐसे में क्या किसी प्रकार की कोई तैयारी की गई है कि किन मुद्दों को रखना है, किन बिंदुओं पर बात करनी है? अभी तो जो विशेष तौर पर बीसीसीआई का जो चुनाव होने जा रहा है, एक बार वहाँ पर तमाम पदाधिकारी तय हो जाएं, तमाम पदाधिकारी इस चुनाव में किस तरीके से सबकी रजामंदी एक तरह से लेने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद राजस्थान में आने वाले दिनों में एक बार बीसीसीआई की बॉडी फॉर्म हो जाए उसके बाद हम इस बारे में पूरी बात करेंगे। राजस्थान के क्रिकेट की बात करेंगे, महज 7 दिन का समय हुआ है राजस्थान में क्रिकेट की, कल से शुरुआत हो गई है अंडर-19 टूर्नामेंट के जरिए। हाँ, जैसा मैंने पहले भी जिस दिन रिजल्ट आया था कहा था कि हम नए अब टूर्नामेंट जल्द से जल्द वापस चालू करवाएंगे। अभी परसों निर्णय हुआ है अंडर-19 हम प्रतियोगिता चालू करवा रहे हैं और इसको जोनल वाइज हमने डिस्ट्रिक्ट्स को बांट के और आने वाले समय में और भी प्रतियोगिताएँ चालू होंगे। स्टेडियम की बात करेंगे, स्टेडियम को लेकर आपने जैसा पहले भी कहा था कि स्टेडियम पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। बिल्कुल, अभी बीसीसीआई में एक बार सारे नए पदाधिकारी आके पदभार ग्रहण कर लें उसके बाद हमारी यही कोशिश रहेगी कि जयपुर में जो नए स्टेडियम की बात है उसको हम आगे बढ़ाएं। जो फंड्स रुके हुए थे आरसीए के वो हम जल्द से लाने की कोशिश करेंगे। वैभव जी, मेरा अंतिम सवाल है, 3 साल में 9 साल का रास्ता तय करना है क्योंकि 6 साल पीछे रहा, 3 साल हैं, तो ऐसे में 6 साल की रणनीति क्या तैयार करनी शुरू कर दी? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द बीसीसीआई में एक बार ये पूरी चुनावी प्रक्रिया हो जाए उसके बाद राजस्थान में हम लोग बीसीसीआई से जो आरसी के कोटे का जो फंड है जो रुका हुआ था उसको लाएं और नए स्टेडियम की जो बातचीत राजस्थान सरकार और बीसीसीआई में सामंजस्य बिठा के जो करनी है उसमें हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वैभव गहलोत जी थे जिन्होंने बताया है कि जो आज बीसीसीआई में मीटिंग होगी उसमें हिस्सा लेंगे। 6 साल में पहली बार ऐसा होगा जब राजस्थान का कोई प्रतिनिधि बीसीसीआई की मीटिंग में प्रतिनिधित्व करेगा। इसके साथ ही आने वाले 3 साल में जो राजस्थान के क्रिकेट में होने वाले काम हैं इनको लेकर भी जो रोड मैप है वह तैयार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन विकास के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।